कॉनिचिबा दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। यार आज के नए वीडियो में मेरे पास काफी सारी नई एनिमे अपडेट्स आई है तुम सबको बताने के लिए। और यार नारुतो की जो टाइमिंग है ना वो सोनी ऐप पर चेंज होने वाली है, तो वीडियो को स्टार्ट से लेकर के एंड तक देख लेना, बहुत सारे अपडेट्स हैं तुम सबको बताने के लिए। तो चलो बात करते हैं हमारे सबसे पहले अपडेट की। तो ट्रिपल आर मूवी जो है वो जापान में रिलीज होने वाली है 28 जुलाई को, वो भी जापानीज डब में। तो भाई कितनी गजब की बात है यार, ट्रिपल आर मूवी अब जाकर जापान में रिलीज हो रही है और हमने इस मूवी को बहुत पहले ही देख लिया था। तो यार हम लोगों ने जापानीज कॉन्टेंट तो बहुत देखा है, बट हमारे इंडिया का कंटेंट अब जापानीज वाले देखेंगे तब उन्हें पता चलेगा कि इंडिया भी किसी से कम नहीं है। और इसके बाद दोस्तों अगली अपडेट जुजुत्सु काइसन की तरफ से है। यार उसकी हिंदी डबिंग के ऊपर प्रोसेसिंग चल रही है, मतलब काम चल रहा है। ऐसा बोला जा रहा है कि क्रंची रोल इसे हिंदी डब करके लाने वाला है। एंड भाई मैं बहुत वेट कर रहा हूँ यार, जुजुत्सु काइसन बहुत गजब की एनिमे है, अगर उसका हिंदी डब आ गया ना लिटरली कमाल मचा देगा। और इसके बाद दोस्तों ईटीवी बाल भारत के ऊपर डिटेक्टिव कॉनन के जो नए एपिसोड है वो मंडे वेनसडे एंड फ्राइडे वाले दिन आते हैं, तो यार उसे देखना है तो मिस मत करना। मतलब नए एपिसोड्स जब भी देखना है वो मंडे वेनसडे और फ्राइडे वाले दिन आते हैं ईटीवी बाल भारत पर। और इसके बाद दोस्तों अकुमा ड्राइव की एनिमे स्ट्रीम हो रही है क्रंची रोल के ऊपर हिंदी डब के साथ। और उसके बाद दोस्तों मूव साइको 100 की एनिमे बुक माई शो पर स्ट्रीम हो रही है, तो जाकर देख सकते हो, उसका सीजन 1 अवेलेबल हो चुका है। और उसके बाद दोस्तों लिंक क्लिक के एनिमे का सीजन 2 स्टार्ट हो रहा है July 14 से। और उसके बाद दोस्तों सुजीमे मूवी की जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है इंडिया में वो करीबन 13.89 करोड़ रुपए है, मतलब 14 करोड़ रुपए के आसपास इंडिया में इसने अब तक कमाई कर ली है, जो कि बहुत ज्यादा है यार। लिटरली इस मूवी ने सच में बहुत अच्छी इनकम जनरेट कर ली इंडिया में। एंड ये तो और भी अच्छी बात है यार, क्योंकि अब जितने भी मुकोटो शिंकाई की मूवी है वो इंडिया में भी रिलीज होगी, और चिंता मत करना यार तुम्हें हिंदी डब के साथ देखने को मिलेगी। और इसके बाद दोस्तों ब्लैक क्लोवर की मूवी स्वॉर्ड ऑफ द विजर्ड किंग हिंदी डब के साथ नेटफ्लिक्स के ऊपर स्ट्रीम हो रही है, तो कभी भी देख सकते हो नेटफ्लिक्स पर। और इसके बाद दोस्तों डीमन स्लेयर सीजन 3 का आज लास्ट एपिसोड आने वाला है, उसके बाद उसका नेक्स्ट सीजन 4 अनाउंस कर दिया गया है, जिसमें इन्फिनिटी कैसल आर्क होने वाला है, वो भी प्रोडक्शन में चल रहा है, तो हमें नेक्स्ट ईयर या उसके बाद ये एनिमे देखने को मिल सकता है, मतलब डेमन स्लेयर सीजन 4। और इसके बाद दोस्तों जितने लोगों को नहीं पता, ड्रैगन बॉल जी का एंड्रॉइड सागा स्टार्ट हो रहा है June 18 से कार्टून नेटवर्क के ऊपर दिन के 1 बजे, और ये डेली संडे के नए एपिसोड आएंगे इसके। और उसके बाद दोस्तों रेंट गर्लफ्रेंड के एनिमे का सीजन 3 का एक नया की विजुअल हमें देखने को मिला है, और ये एनिमे शेड्यूल हो चुकी है जुलाई के लिए। और उसके बाद दोस्तों सिटी हंटर की जो मूवी है एंजल डस्ट, उसका एक नया की विजुअल देखने को मिला है, और ये मूवी रिलीज होने वाली है जापान में 8 सितंबर को। और उसके बाद दोस्तों वन पीस की जो लाइव एक्शन सीरीज है वो ग्लोबली स्ट्रीम होने वाली है नेटफ्लिक्स के ऊपर August 31 को, इसका एक ट्रेलर भी हमें देखने को मिला है जो कि बहुत ज्यादा कमाल का है। और इसके बाद दोस्तों अब हम लोग फाइनल अपडेट की बात कर लेते हैं, जो कि नारुतो की तरफ से है। यार तो 19 जून से नारुतो की जो टाइमिंग है वो 10:15 पर हो जाने वाली है सोनी ये के ऊपर। वेल दोस्तों ये कन्फर्म नहीं है, जब मैंने शेड्यूल चेक किया 19 जून का तो वहां पर मुझे टाइमिंग यही दिख रहे थे रात के 10 बजे, तो अभी तक ये कन्फर्म नहीं हुआ है कि नारुतो की टाइमिंग चेंज हुई है या नहीं। शेड्यूल का एरर दोस्तों आता रहता है, बट अगर सच में टाइमिंग चेंज हो गई होगी तो मैं बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हूँ यार सोनी के इस डिसीजन से। सोनी ये पर नारुतो सबसे नंबर 1 एनिमे चल रहा है उनका, और वो लोग इस एनिमे का टाइम अगर बढ़ा देंगे तो यार कोई कैसे देख पाएगा। एंड मुझे नहीं लगता यार कि टाइमिंग चेंज हुई होगी, एक शेड्यूल का एरर ही होगा, तो टेंशन मत लेना यार, अगर टाइमिंग सच में चेंज हुई होगी तो आगे जाकर पता चल जाएगा। तो देखो आज के वीडियो में बस इतनी ही एनिमे अपडेट थी मेरे पास, और बताना संडे कैसा चल रहा है तुम लोगों का। एनिमे अपडेट्स देखकर अगर मजा आया होगा तो वीडियो को लाइक कर देना, और डेली एनिमे अपडेट्स जानने के लिए यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर सेलेक्ट कर लेना, डेली नोटिफिकेशन तुम्हारे फोन पर सबसे पहले आ जाएगा। और बताना भाई कि आज हम लोग लाइव आए कि नहीं, क्योंकि आज देखो संडे है तो मैं फ्री रहता हूँ तो मैं लाइव आ सकता हूँ चैनल के ऊपर, तो तुम लोग अपना टाइम बता देना कि किस टाइम पर मैं आज आऊँ लाइव चैनल के ऊपर, अगर बात करना होगा तो बता देना। और वीडियो बस यहीं तक थी, तो बस मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।